पूरी गाड़ियों पे जो है ऐसे जो है बर्फ की चादर लगी हुई हो। गोपेश्वर गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। सो गाइज नमस्कार एंड वेलकम बैक टू धनी एक्सप्लोर्स वंस अगेन। नया दिन नया वीडियो। सो गाइज आज जो है पहला स्नोफॉल हो चुका है पोलैंड में इस साल का। आप देख सकते हो पूरी गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं और बहुत ही गंदी वाली ठंड हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। मेरे को तो वैसे रोना है ठंड से। कोई जेब्रा क्रॉसिंग कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं आप मेरे पीछे सही से देख पा रहे हो सब गाड़ियाँ देखो पूरी ब्लॉक हो रखी है। एंड द वर्स्ट थिंग इज़ कि अब जो गाड़ी साफ़ करनी पड़ती है और उसके बाद जो ड्राइव करने में दिक्कत होता है ना वो बहुत ख़तरनाक वाला होता है ऐसे मौसम में। बट हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे ड्राइव करते समय, क्योंकि नए नए ड्राइवर हैं और इस स्नो में गाड़ी स्लिप ज़्यादा होती है। वैसे तो विंटर टायर होते हैं बट फिर भी विंटर टायर होने के बावजूद भी गाड़ी बहुत स्लिप होती है। बिकॉज गाइस ये हाल है, देख रहे हैं पूरा बैंकर कैसे करेगा बंदा। ये रही अपनी धनो, अब इसको पहले पूरा क्लीन करना पड़ेगा। आप देख रहे हो पूरे सब शीशे उसे क्लीन करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसको चला सकते हो। कुछ नहीं दिख रहा ना आगे पीछे, कुछ नहीं दिख रहा कहीं भी ना। अब पहले गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं, हीटर ऑन कर देते हैं और उसके बाद इस बर्फ को साफ करते हैं। ओ भयंकर गाइस ये देखो कैसे करें इसको। मैं तो सोच रहा हूँ गाड़ी छोड़ ही देता आज, लेकिन मुझे थोड़ा ना रेस्टोरेंट के लिए शॉपिंग करनी है, नहीं तो मैं आज गाड़ी ले जाता ही नहीं, ट्रेन से जाता। ये हाल है क्योंकि इस टाइम पे ना रिस्की होता है चलाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। स्पेशली जो मेरे जैसे नए ड्राइवर होते हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्की होता है। बट मुझे जाना है कहीं सामान के लिए, इसलिए जो है पूरा पहले बर्फ़ निकालते फिर मिलते हैं आपको। भाई उस समय से लगा हूँ अभी इतना ही साफ कर पाया है, देखा आपने कसम से। ओ माय गॉड। और यहाँ पर ना अगर ये बर्फ़ पूरा मैं पूरी साफ करके नहीं ले जाऊँगा तो फाइन भी पड़ सकता है। और आपको पता है रात को ना, रात को जब मैं आया ड्राइव करके आया रात को ड्यूटी से, तो उस समय बिल्कुल साफ था, कोई बर्फ़ नाम की चीज़ नहीं थी। अब देखो इधर, ये देखो ये देखो ये देखो, माँ कसम ये देखो। गाइस चलाने लायक तो हो गया और अंदर गर्म भी हो ही गई गाड़ी। ये सब निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत अनकम्फर्टेबल होता है चलाने के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं पहले एक जगह काम करता था यहीं पोलैंड में ना, वहाँ एक लड़की काम करती थी वेटर में, तो उसके पास गाड़ी थी तो वो हमें घर छोड़ती थी रात को कई बार स्टेशन में, अगर हमें ट्रेन से जाना या नज़दीक घर है तो छोड़ देती थी हमें। तो वो हम जैसे काम करते वक्त बैठ जाते थे कि जब वो गाड़ी स्टार्ट कर लेगी तभी जाएंगे। भाई वो बर्फ़ निकालती थी पूरा, तो वो ना उसने बाद बाद में ना बोलना शुरू कर दिया कि यार तुम लोग बैठ जाते हो गाड़ी में बर्फ़ साफ नहीं करते हो। तो मैं बोलता यार भयंकर थोड़ा बर्फ़ साफ नहीं कर सकते तो उसके बाद बैठ जाएंगे। आज मैंने अपनी गाड़ी का पहली बार इतना बर्फ़ साफ किया, तो आई कैन से गर्ल आई फील फॉर यू रियली। उस समय जो उसने बोला था वो सही बात थी, उसकी भी ऐसी हालत ख़राब हो गई रात को काम करने के बाद, और यहाँ पर बर्फ़ तो निकालने पड़ते। अब देख लो पहले कुछ नहीं दिख रहा था बाहर, अब थोड़ा सा जो है सही हो गया। पीछे वाला दिखना चाहिए ना शीशा पीछे आके सब, तो अब थोड़ा सही हो गया। तो अब चलते हैं मेन रोड है ना, जो मेन रोड है ना मेन रोड है, देखो आप मेन रोड में इतनी स्नो नहीं है क्योंकि यहाँ पर आवाजाही है, गाड़ी चल रही है आ रही है, तो यहाँ पर दिक्कत है नहीं ज़्यादा। अंदर बहुत दिक्कत है, जहाँ से बोलते ऐसे हैं कि प्रैक्टिस में एक मास्टर, बट पता नहीं भैया इस प्रैक्टिस में क्या होगा। कसम से बिना तो ब्रेक लग रहे हैं और कुछ आइडिया नहीं हो रहा, गाड़ी ऐसी स्लिप हो रही है ना खतरनाक वाली, स्पेशली गलियों में। मेन रोड पे तो इतनी बर्फ़ है नहीं, आपने देखा वीडियो में, बट गलियों में बहुत खतरनाक सीन है भाई। थोड़ा सामान लेना है मुझे, फिर अभी जाना है वापस ड्यूटी। गाइस फाइनली पहुँच गया ड्यूटी और बर्फ़ की रोड का सामना करते हुए पहुँच ही गया, जैसे भी कैसे करके भी, बहुत मुश्किल है। और सल्यूट है भाई उन लोगों के लिए जो इंडिया में ड्राइव करते हैं और जो गर्मियों के टायर होते हैं या सर्दियों के, वहाँ पर एक ही टायर होते हैं, सर्दियों के अलग से तो होते नहीं है, और उसी में वो लोग ऊपर जब जाते हैं ना अपने मसूरी वगैरह जहाँ जहाँ पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है वहाँ सब जाते हैं, और उसी में भयंकर फुल गाड़ी को ले जाते हैं लाते हैं। और ऐसे ऐसे रोड होते हैं, ऐसे ढलान भी होते हैं। सल्यूट है भाई आप लोगों को, अपनी बस की बात नहीं है। यहाँ पर तो विंटर टायर अलग होते हैं समर अलग होते हैं, फिर भी गाड़ी नहीं चलाई जा रही। बट गाइस ग्रीन टी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो इसमें है लेमन जिंजर ग्रीन टी। बहुत ठंड लगती है यार, बहुत ठंड है इस समय तो, मेरे पता नहीं क्यों बर्फ़ में तो ज़्यादा ही बुरे हाल है। आज खाएंगे मशरूम की सब्जी, कटिंग हो चुकी है, बनाते हैं इसको। सो गाइस अभी ना रात की 8 बज रही है, तो मैं थोड़ा बाहर निकला, मैंने कहा यार थोड़ा आप लोगों के ना ब्लॉग शूट करता हूँ। वैसे भी आज का ब्लॉग छोटा सा मिनी ब्लॉग ही हो रहा है, बट आप देख रहे हो अभी ना स्नो फॉल हो रहा है हल्का हल्का, आपको नहीं दिख पा रहा होगा बट मैं आगे दिखाता हूँ आपको कितना बर्फ़ पड़ा हुआ है। पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ हो रखा आज, OMG। ऐसे बर्फ़ में चलने के लिए ना स्नो शूज ज़रूरी है, नहीं तो कब पाँव स्लिप हो जाए, थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर हुआ सीधा खुट्टी रड़ी गए, मेरी खुट्टी टूटी गई, वो वाला सीन हो जाता है। ज़रा रात का नज़ारा, और अभी यहाँ पर रात की 11 बज रही है, 11 क्यों कितना हो रहा टाइम, 11:30 हो गया एक्चुअली। पूरी गाड़ियों पर जो है ऐसे जो है बर्फ़ की चादर लगी हुई हो।
अपने धनु के ऊपर ये बर्फ देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी बस की अब तो है नहीं, हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि सवेरे मैंने लगाया इसको आधा घंटे साफ करने में, आपने वीडियो में तो कुछ ही सेकंड देखा, और अब मैं इसको फिर साफ करूंगा, फिर सुबह साफ करूंगा, मेरी बस की नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ अपने सारे साहब के कमरे पे, इनका यहीं पर नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस में है 10 मिनट, थोड़ा सा बर्फ़ का नज़ारा लेते हुए चलेंगे, चाहे फिर तब कल बुखार ही आ जाए या जुकाम ही लग जाए वो अलग बात है, बट अभी थोड़ा इन्जॉय करते हैं बर्फ़। क्यों जी क्या बोलते हो, है ना? तो गाइस ये देखो जमीनी स्तर पे जो है इतना ही, देखो ये इतना बर्फ़ पड़ गया है भाई साहब, मुझे नाप के बता रहे हैं, अब दिख रहा होगा आपको ये स्नोफॉल ना, अब यहाँ पर लाइट है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हो रहा है स्नोफॉल, इसको कहते हैं जाडू का मौसम, ठंड का मौसम आ गया है, भयंकर वाला सीन है भाई। चलो यार इससे पहले कि मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाए, वैसे भी मेरे जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है सर्दी में, देख रहे हो ये होता है जब तुम स्नोफॉल में वॉक करते, देख रहे हो ये देखो पूरी बर्फ़ पड़ गई। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं साले राम के रूम में, इनका मंदिर है कृष्णा भगवान के, बहुत ज्यादा भक्त है। ये बादाम खुद खाते हैं भगवान जी को खिला रहे हो, तो खुद खा के तो यहाँ क्यों रखे हैं, मंदिर में कौन रखता है, खाके चढ़ा रखे ना पहले के। अच्छा देखो बंदे ने चाय पी होगी, मैं अक्सर में डालूंगा ये वीडियो, देखो बंदे कल छुट्टी थी, दो दो बार चाय पी, यहीं पर है खाना खाया, जो भी खाया होगा यहीं पर है, हर बिस्तर तक नहीं उठा रखा भाई। ये देखो ये बंदे क्या है, देखो अभी नंगा हो रहा है, देखो बंदे क्या है, इतना गंद पा रखा है। बट गाइस अभी ना मैं खिड़की पे खड़ा हूँ इनके रूम का, बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बड़ा मस्त है यहाँ से। वाओ ये है गाइस जबियंग का स्टेशन, यहाँ से जाते थे हम पहले ट्रेन पे रूम में, अभी भी जाता हूँ मैं, मतलब अभी तो चलो गाड़ी है तो कभी कभी जाता हूँ। ये देख रहे हो घर इसीलिए यहाँ ऐसे होते हैं, कोई भी आपको प्लेन छत नहीं मिलेगी, यही स्नोफॉल के चक्कर में ना, अभी जो बर्फ़ होती है मेल्ट होते होती है जो निकलते जाएगी जब भी स्नोफॉल रुकेगा या थोड़ा बारिश होगी, नहीं तो क्या होता अगर प्लेन छत होती जैसे इंडिया में होते तो सब बर्फ़ वहीं रुक जाती है। देखो गाइस पूरा सफ़ेद, वाओ कितना अच्छा दिख रहा है ना, ये पूरा गडांस दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख रहे आप, ये आपको जो उस तरफ का जो एरिया है वो है गडांस ओलिबा, ये आगे पूरा ओलिबा, उसके बाद सिमोजे जैसे पूरा आ गया, और ये पूरा एरिया जो है जबियंका का है। ये देखिए व्यू अच्छा है यार आपके रूम से, है ना? वाओ पर ट्रेन डिस्टर्ब तो नहीं करती जब ट्रेन आती सामने, दरवाजे बंद कर रखते हैं, है ना? खिड़की बंद रहती तब नहीं होता है। अच्छा व्यू है गाइज ना, आप भी कमेंट करके बताओ आपको कैसे लगा है व्यू, ठीक है गाइज? देखो बंधन के पास जुगाड़ पूरा है, और ऊपर जो है ये राजा वाला महल है, इस पर तो मैं सोऊंगा क्योंकि नीचे मेरे मैटर्स से नहीं तो दर्द होता है। और एक आदमी यहाँ पर लगा है, बिस्तर तो बहुत रखा है आपने, ये कैसा इसका मैटर्स है, कमर के लिए ठीक है, थोड़ा ऐसा लूज है। तो गए जब भाई साहब जो है नाम धूम जप करके जो है बिल्कुल बैठ चुके हैं यहाँ पर, तो मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, तो अब मुझे जरा कोई एक अच्छा सा मंत्र सुनाओ जरा मेरे दर्शकों को। हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश्वर गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते हरे कृष्ण। और ये क्या है, कृष्ण भगवान जी को नमस्ते। अच्छा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो गाइस सब लोग नहीं होते हैं जो विदेश आके अपने संस्कार भूल जाते हैं, या मेरे साले साहब देखा आपने खतरनाक श्लोक पूजा पाठ कंठी माला लाए, मैं इनके लिए इस बार प्रेमानंद महाराज जी के भक्त हैं, इनको पटवाल गुरु जी ने पढ़ा रखा है ना, तो उसी समय से गीता होता इनके जो पटवाल गुरु जी थे इन्होंने बचपन से इनके दिमाग में डाल रखी है अच्छी बातें, तो अच्छा है हमें भी कभी कभी ज्ञान की बातें सुनने को मिल जाती हैं इनके साथ। और इसके साथ ही जो है नींद आ रही है, और इस वीडियो को भी एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, नमस्कार।